हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। जैसे ही वैकेंसी का पता लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है, चाहे किसी भी राज्य की वैकेंसी हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित, सैनिक स्कूल से शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जिसमें सैलरी 45,000 पर मंथ रहने वाली है, साथ में फ्री रेजिडेंस, फ्री फूड भी अवेलेबल रहेगा। आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल अमरावती से वैकेंसी जारी की गई है। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है, सैलरी, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में ही हम देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है तो अंत तक वीडियो के बने रहें। सैनिक स्कूल अमरावती, लेकिन किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि बहुत दूर जो है हमें जॉब करने के लिए जाना होगा, क्योंकि अगर आप NVS में अप्लाई करना चाहते हैं, KVS में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आप लोगों की अगर पोस्टिंग रहेगी तो आपके राज्य में आपको मिले ये संभव नहीं, ठीक है। उसके लिए भी आप लोगों को दूर दूर तक जाना होता है। यहाँ पर वैकेंसी जो है, सब्जेक्ट देखें, PGT फिजिक्स में वैकेंसी है। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वैकेंसी सैनिक स्कूल में आ रही है। बहुत कम जो है सैनिक स्कूल में परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, मोस्टली वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही रही है। हो सकता है कि ये 1-2 साल जो है कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के बाद जो है इन्हीं को रेगुलर कर दें, तो आप ध्यान रखें। 21 से 40 वर्ष इसमें जो है उम्र सीमा है, 45,000 पर मंथ इसमें सैलरी रखी गई है। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की, तो कोई भी आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि ये तो होनी ही चाहिए, मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, साथ में BEd आप क्वालिफाई हो, CTET Paper 2 या फिर TAT Paper 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए क्वालिफाई, या फिर आपके राज्य का टेट, आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है फिजिक्स में, इसमें ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसमें 12th फिजिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, यानी 12th साइंस के साथ, और 18 से 35 वर्ष इसमें उम्र सीमा है। इसमें जो सैलरी है 25,000 पर मंथ है। नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है फीमेल के लिए, और इसमें जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, डिग्री या डिप्लोमा आपका नर्सिंग में, बस इतना ही। यहाँ पर जो है अनुभव नहीं है तो भी अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यानी कि आपने अगर अनुभव लिया है तो सही है, बाकी बिना अनुभव के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बिटवीन जो है 21 to 50 ईयर्स ऑफ एज, 21 से 50 वर्ष इसमें उम्र है, 22,000 सैलरी है इसमें, बस फिलहाल इतनी ही वैकेंसी थी। तो नोटिफिकेशन में जो भी होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हो सकता है किसी के लिए वैकेंसी हो। यहाँ पर जो है सैलरी के साथ में रेंट फ्री एकोमोडेशन एज अवेलेबल इन द स्कूल कैंपस, फ्री मैसिंग, तो आपको खाना रहना ये तो है ही। लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर 2024 है। एप्लीकेशन फ़ीस भी जो है इसमें रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखें, डिमांड ड्राफ्ट 300 रुपीज़ का जनरल OBC के लिए है, और 200 का SC ST कैटेगरी के लिए है। डिमांड ड्राफ्ट जो है आप इस नाम से बनवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एनवलप के अंदर जो है एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ और डिमांड ड्राफ्ट की रिसिप्ट, ये सब आपको उसमें रख देनी है। एनवलप के ऊपर आपको एड्रेस लिखना होगा, टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर, पिन कोड है 642102, और ये पूरा एड्रेस यहाँ तक रहेगा, तमिलनाडु तक, ठीक है, ये एड्रेस आपका रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, www.sainikschoolamravatinagar.edu.in। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, डेमो रहेगा आपका, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, फिजिक्स और लैब असिस्टेंट के लिए। नर्सिंग सिस्टर के लिए रिटन एग्ज़ाम, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको ये यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पूरा फिल कर लेंगे और आपको भेज देना है अपने सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी,
डिमांड ड्राफ्ट की रिसीप्ट के साथ में, ठीक है। चलिए, और भी वैकेंसी जैसे ही जारी होती है किसी भी राज्य की, आप लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। बने रहें चैनल पर, यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।